सीटी बंद कर दी है, कुकर चढ़ा दिया है, 3 सीटी होने के बाद मैं बंद कर। बहुत ही आसान है पकाना और सब्जी जो है सब सब्जी भी खा सकते हैं बच्चे हेल्दी। जूम कर लो, एक इसमें अनजूम कर लो। बहुत पानी के बोतल, सलाद, ये रही आलू मेथी की सब्जी। ही वर्क्स इन नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में काम क्यों करते हैं, अगर आपने मेरा ब्लॉग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या यहाँ पर हो रही है तड़के की तैयारी। टमाटर की पूरी डाल दी है मैंने और यहाँ बन रहा है क्या, आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही, हाँ बच्चा शो मी योर होमवर्क, डन, लेट मी सी, ये देखो होमवर्क। व्हाट अबाउट दिस, दिस वन आई डोंट नो सो आई लेफ्ट इट, आई विल टेल मिस। हां मिस नहीं, आई विल मेक यू डू इट, ओके, आफ्टर वी कम, ठीक है। सो वॉश योर फेस, गो वॉशरूम एंड गो डाउन टू प्ले। चल रहा है, चाय ला रही हूं। डांस जाना बेटा, बाय। तो आज का व्लॉग मैंने बहुत ही लेट शुरू किया है, इनफैक्ट मैंने व्लॉग शाम को शुरू किया है। शाम के हो रहे हैं 7 और मैं बनाने वाली हूँ अभी चाय। आज खाने बन रही है पाव भाजी एंड वेलकम है हमारी व्लॉग में। आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा एंड यस, मेरी आंखें जल रही है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बन रही है पाव भाजी। पाव भाजी बनने के बाद ऊपर से बटर ऐड करूँगी जब उसको मैं वो करूँगी, मैश करूँगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। यहाँ पर अचीव कर रहे हैं काम, सब काम करते हैं तो बिल्कुल नहीं देखते, ध्यान पूरा उनका काम पर रहता है, गुड, ऐसा ही होना चाहिए। और तड़का हो रहा है यहाँ पर तैयार, अब मैं रखूँगी अपने लिए चाय। तो पाव भाजी की रेसिपी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी मेरे इसमें यूट्यूब चैनल में कर चुकी हूँ, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस बार मैं डाल रही हूँ लाल पीली कैप्सिकम, ग्रीन वाली नहीं थी तो जो था हम सब्ज़ी वो डाल रही हूँ। इसमें गाजर है, कैरेट है, गोभी है, कैप्सिकम है, येलो एंड रेड, दैट्स इट। और ये हमारा पाव भाजी का मसाला एंड मेरा यहाँ पर रखा है मैंने नारियल पानी, तो ये भी मैं पी लूँगी, मैंने पिया नहीं सुबह आज। सारे मसाले डाल दिए इसमें, बहुत कम रखा है मैंने तेल इसमें कि मुझे बटर बाद में ऐड करना है। बटर डाल के अच्छा आता है फ्लेवर पाव भाजी में। बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, बट बटर जो होता है उससे ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मसाला पक चुका है, पाव भाजी का मसाला पक गया है। ये है सिंपल वाली पाव भाजी बनाने का तरीका, इसकी रेसिपी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ गरिमा स्प्राइट में। सब्जियाँ हैं सब डाल दूँगी इसमें, कैप्सिकम, कैरेट, बीटरूट सब कुछ है। बहुत ही आसान है पकाना और सब्जी जो है सब सब्जी भी खा सकते हैं बच्चे हेल्दी हो जाता है। और बनाना बहुत आसान है, आप सब्जी को बॉईल कर लो अलग से, ये तड़का लगाओ अलग से, मैं पहले वैसे ही बनाती थी बट ये तरीका जो है मुझे बहुत अच्छा लगा एंड टेस्ट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। सो ये रहा मसाला पाव भाजी का, इसकी रेसिपी मैं पोस्ट कर दूँगी पूरी की पूरी डिटेल, आप चेकआउट कर लीजिए। सब्जी डाल दी है मैंने इसमें, थोड़ा सा इसको सौते करूँगी, फिर ऐड करूँगी पानी। सीटी बंद कर दी है, कुकर चढ़ा दिया है, 3 सीटी होने के बाद मैं बंद कर दूंगी गैस, फिर खोल के मैश करूंगी। यहाँ पर रखी है चाय बनने के लिए, बस अभी रखी ही है तो बॉयल भी नहीं हुआ है। तो ये सारे काम हो रहे हैं किचन में, किचन में ज़्यादा मेस तो नहीं है बट, और यहाँ मेरा फ़ोन है और यहाँ पर मैं जब काम करती हूँ किचन में तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सुनना शुरू किया है महाभारत पॉडकास्ट बाय सुदीप्ता बनर्जी भौमिक। यस, सुदीप्ता भौमिक का है ये एंड इनका पॉडकास्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अभी मैं कौन से एपिसोड में हूँ, आई थिंक आई एम 146 एपिसोड। तो ये अमेजोन पे है, सुदीप्ता भौमिक इनका पॉडकास्ट है, इट इज़ वेरी नाइस गाइस, आई विल एडवाइज यू कि आप भी ज़रूर चेकआउट करें इनका पॉडकास्ट। मैं सुनना होता है तो अपना काम में ध्यान रहता है और कान से सुनती रहती हूँ मैं, देखने 48 में पहुँची हूँ मैं। तो काम करते करते ऐसे सुनते रहो ऐसे एंड नो, महाभारत मैंने बहुत जब हम थे छोटे तब देखा था मैंने, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद भी नहीं थी, मतलब बहुत कुछ मैं भूल चुकी थी, तो अच्छा रिफ्रेश भी हो रहा है एंड द वे ही इज़ सेइंग इट इज़ वेरी गुड। एंड जो पहले का महाभारत था अभी अगर देखेंगे तो थोड़ा स्लो लगेगा बट सुनने के लिए पॉडकास्ट परफेक्ट है,
मैं बच्चों को भी सुनाने वाली हूँ ये पॉडकास्ट। मैंने सोचा है कि जब वैकेशन होगी तो बच्चों को साथ बैठ के हम लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे महाभारत का। एंड मुझे पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, मोटिवेशनल, ऐसे स्पिरिचुअल, मतलब महाभारत का ऐसे हिस्टोरिक, आई लाइक इट वेरी मच। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, एंड लगता है कि हाँ ऐसे बूस्ट मिलता है अपने आप को। बस यहाँ पर चाय रखी है, चाय होने तक मुझको यहाँ पर अपना नारियल पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पर होने वाली है सीटी, जैसे सीटी होगी एक तो मैं गैस को थोड़ी सी धीमी कर दूंगी जैसे कि। और यहाँ पर देखिए चाय भी उबलना शुरू हो गई है, हो जा उबल रही है। सो थोड़ी सी गैस धीमी कर देती हूँ थोड़ी सी। अब मैं जाके पीती हूँ मेरी नारियल पानी। और अजीत का चल रहा है कॉल, शायद कॉल पे हो क्या अजीत? कैन यू होल्ड दिस, कॉल पे हो? ओह सॉरी, आर यू ऑन कॉल? कैन यू होल्ड दिस फॉर 2 मिनट्स फॉर मी, लेट मी सेट। गैस बंद कर दी है और चाय भी हो गई है, अच्छे से पका लिए। मुझे ज़्यादा पकी हुई चाय, कड़क चाय पसंद है, स्ट्रॉन्ग चाय मुझको। अजीत दोनों को उसको छान लूँगी। इसमें तो मैंने शक्कर तो मैं ऐड करती नहीं, गुड़ ऐड नहीं किया। चाय छानने के बाद मैं ऊपर से गुड़ ऐड करूँगी। ये रही गुड़, पतंजलि की गुड़ है इस बार, ये रहा पैकेट पतंजलि का गुड़ पाउडर, एकदम नेचुरल। जब गाँव जाएंगे तो वहाँ से हम लोग गुड़ लेके आएंगे फिर से, और मम्मी को मैंने बोला है। और ये हमारी पैंट्री। आईफोन मैंने बहुत अच्छा है ये जूम करने का, ये मुझे बहुत पसंद आया। जूम कर लो, एक इसमें अनजूम कर लो, बहुत बढ़िया। सो चाय, कम वाली चाय मुझको चाहिए और ज़रा बड़ी चाय जो दूंगी अजीत को। अजीत का कॉल चल रहा है अभी, अच्छा कॉल चल रहा है, बैक टू बैक कॉल होता है। गर्म में साहब ने कुछ चाहिए नहीं, अजू ये क्लॉक टीसर होकर गिर जाएगा। किसने बजाई घंटी? कौन पहुंचे? शोके ओके, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। हाँ पानी की बोतल रखी। हाँ अच्छा एंजॉय। देखे दे पर मैंने रख छोड़। हाँ यस, दिखाऊंगी भैया को। हाँ 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 हाँ। बच्चों ने खाना खा लिया और मुझको पाव भाजी खाने का मन भी नहीं था, मतलब मैं खा लेती बट सब्जी जो है पाव भाजी की थोड़ी थी। और अजीत को पाव भाजी बहुत पसंद है तो कल खाने वाले हैं लंच में, और बच्चे पाव भाजी लेके जाएंगे साथ में अपने शॉर्ट ब्रेक के लिए स्कूल में, और उनके लिए मैं बनाऊंगी कुछ और सुबह लॉन्ग ब्रेक के लिए। तो इसलिए मैंने पाव भाजी नहीं खाई। अब मुझे भुलगी है भूख तो मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म पुलाव। आइए, हाँ हो रही है पुलाव की तैयारी। और यहाँ पर मैंने बासमती राइस भिगो के रख दिए हैं, ये कल की आलू मेथी बची थी मैं खाने वाली हूँ। साथ में यहाँ पर टमाटर की चटनी है तो मेरा हो जाएगा खाना। और यहाँ मेरा महाभारत पॉडकास्ट चल रहा है एज यूजल। तेल गर्म हो गया है, मैं बना रही हूँ पुलाव मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। गरिमा ने रात को क्या बनाया देखिए जरा। हाँ वैसे मैंने बताया है क्या बनाया, पुलाव मटर नहीं कुछ नहीं, सिंपल सा विद टमाटर की चटनी, सलाद, आलू मेथी की सब्जी, बस हो गया मुझे इतना। पापड़ तो रहेगा। अरे पापड़, हाँ पापड़ भी, पापड़ है, पापड़ दही। ठंडा हो जाए उसके पहले मैं खा रही हूँ, और अजीत मेरे लिए पापड़ भूज के देंगे जैसे उन्होंने याद दिला दिया कि पापड़ तो आए हैं तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। वो है ना गोगा, बोलो आप करा लो, बोलो मैं आ दुनियाओं में आई नहीं गोगा, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा। आलू चीनी में डालो यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, व्हाट चेंजिंग। डोर बंद करके आते नहीं हो, हृदय को बोलते हो आप। हृदय को बोलते हो डोर बंद नहीं करता है, हृदय आप भी गया है, सारी बुरी आदत हृदय की ना आप भी गई है। ज्यादा बुरी आदतें नहीं है, दो तीन बड़ी बड़ी है वो आप भी गई है। यही है वो, यही वो अनसन
पापड़ देखो, ओह स्टाइल तो देखो बेबी इसी में। अच्छा देख दे दो, मैं जाती हूँ, मेरा ठंडा हो जाएगा खाना, गर्मा गर्म बोला खाना है। बैठ गई हूँ अजीत की जगह पे, ये रहा पुलाव सलाद, ये रही आलू मेथी की सब्जी, टमाटर की चटनी, और मैं देख रही हूँ मूवी इत्तेफाक। इत्तेफाक देख रही हूँ, सस्पेंस थ्रिलर मूवी। खाना खा लिया, मूवी देख ली, और मुझे इतनी नींद आ रही है कि बस मैं व्लॉग सोचा कि एंड कर दूँ, मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया था। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल सुबह उठना है, बच्चों का स्कूल है, और अभी हो रहे हैं रात के 12:30, बच्चे सो गए हैं, अजीत तो काम करेंगे और वो आई थिंक 3:30 बजे आएंगे कि ही वर्क्स इन नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में काम क्यों करते हैं, अगर आपने मेरा ब्लॉग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या अभी भी आपने देखना शुरू किया है, तो मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं नाइट शिफ्ट में, वो सॉफ्टवेयर में है, और वो उनका जो क्लाइंट है वो कनाडा में है, और उनका जो काम होता है वो क्लाइंट से कॉल्स में बात करने का होता है। ही इज़ अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, तो इसलिए वो काम करते हैं। एंड अभी वहाँ पर कनाडा में डेलाइट सेविंग शुरू हो चुकी है, तो उनका 1 घंटा और आगे एक्सटेंड हो गया है, तो अभी वो 3 बजे आते हैं, पहले 3:30 बजे आते हैं, पहले वो 2:30 बजे तक आते थे। तो आई डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर हिम, एंड मैं सो जाऊंगी, और मुझे सुबह उठना है, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है, कल है फ्राइडे एंड सैटरडे को छुट्टी है, ये मेरे को बहुत खुशी होती है वीकेंड की। तो ज़िंदगी में वीकेंड की जो अहमियत है वो हमेशा रही है, जब मैं थी स्कूल में तो वीकेंड आएगा तो छुट्टी रहेगी स्कूल की, फिर जब मैं गई कॉलेज में तो वीकेंड आएगा तो हाँ हाँ अच्छा है छुट्टी है कॉलेज में, सुबह उठना नहीं पड़ेगा, फिर जब मेरी ऑफिस में जब जॉब लगी तभी मैं खुश होती थी कि अरे वीकेंड आ गया है, ऑफिस नहीं होगा मेरा, फिर मेरी शादी हो गई तो बहुत खुश होती थी कि अरे वाह वीकेंड है, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, फिर बच्चे हो गए तो ये था कि वीकेंड है, सुबह उठ के डब्बा नहीं मारना पड़ेगा अजीत के लिए, उनका ऑफिस नहीं है, मुझे भी आराम से उठना पड़ेगा, फिर बच्चों का स्कूल शुरू हो गए तो खुशी है कि हाँ वीकेंड है, बच्चों का स्कूल नहीं है। सो मतलब हमेशा मुझे वीकेंड की खुशी होती है कि वीकेंड नहीं है, सुबह उठना नहीं होगा, जल्दी नहीं उठना है 6 बजे, बिकॉज आई लव टू गेट अप लेट, मुझे 9:30 बजे अगर मेरा मन किया वीकेंड में तो मैं कभी कभी 11 बजे भी उठती हूँ, बच्चे उठ जाते हैं, अजीत उठ जाते हैं, मैं 11 बजे उठती हूँ, अगर कभी कभी होता है ऐसे नॉर्मली, बट मैं 9:30 तक उठ जाती हूँ, और यही है। तो बस वीकेंड की खुशी ज़्यादा होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वीकेंड आता है, तो आई होप आप लोग इससे रिलेट कर पाते होंगे। होते हैं कुछ कुछ लोग जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मैं भी उठती हूँ, बट ऐसे मन मार के उठना पड़ता है, ऐसे मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो ये बात है। बस अब मैं आज यहाँ पर ही ब्लॉग खत्म करती हूँ, एंड कल मिलेंगे, बाय।